हमीरपुर में जायका प्रोजेक्ट के तहत किसानों को लाभ मिल रहा है और योजना के तहत किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए खेती के नए आधुनिक तरीके से खेती बाड़ी करवाई जा रही है। हमीरपुर के अलावा अन्य 4 जिला में 219 सिंचाई योजनाएं काम कर रही हैं और 4,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल सिंचाई के तहत आ रहा है, जिससे किसान सुविधाओं का प्रयोग करके मुनाफा कमा रहे हैं। जायका के प्रोजेक्टर डायरेक्टर विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जायका प्रोजेक्ट हमीरपुर जिला में किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं प्रोजेक्ट के बारे में। ये फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर में सन 2011 से जापान सरकार के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। 321 करोड़ रुपए की ये पूरी योजना है और ये 2018 में इसका समापन होना था, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कार्य किए गए जिसका लोगों को ज़्यादा फायदा मिलना शुरू हुआ, इस करके इसको दिसंबर 2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है। जैसे आपने कहा कि ये कोरोना के इस दौर में प्रोजेक्ट की गतिविधियों पे क्या फ़र्क पड़ा है, हमारी ज़्यादातर गतिविधियाँ प्रोजेक्ट की हैं लोगों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। इस प्रोजेक्ट में लगभग 18,000 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं, जिनको कि प्रोजेक्ट से विभिन्न विषयों पर जानकारी दी जाती है। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि फसल विविधीकरण द्वारा ये अनाज की फसलों से लोगों को प्रेरित करके सब्जी उत्पादन की तरफ को लेके जाना है। तो इसके लिए जो हमारे प्रसार अधिकारी हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर, उनको बार बार लोगों के साथ मेल मिलाप करने पड़ता है, विभिन्न तरह की जानकारियाँ उनको देनी पड़ती हैं ताकि वो सब्जी के फसल चक्र को अपना के अपनी आमदन को बढ़ाएं। और इस प्रोजेक्ट में, परियोजना में ये भी टारगेट रखा गया था कि किसानों की आमदन जो है वो 7 गुना तक बढ़ानी है। जब ये प्रोजेक्ट 2011 में शुरू हुआ था तो उस टाइम ये आकलन किया गया था कि 25 कनाल से लगभग 20,000 रुपये आमदनी होती है किसान को, शुद्ध आमदनी। और इस प्रोजेक्ट का जो टारगेट था वो था 1,45,000 तक लेके जाना। तो ये बड़ी खुशी की बात है प्रोजेक्ट के सारे अधिकारियों के लिए भी कि हम 1,45 की बजाय इसको 2 लाख से ऊपर ले गए, 5 जिलों की अगर एवरेज की जाए। और ये तभी संभव हो पाया जबकि किसानों के साथ बातचीत करके, उनको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दे के, एक्सपोजर विजिट करवा के, प्रदर्शन प्लॉट लगा के, हमारे जो अधिकारी प्रोजेक्ट के जुड़े हैं उन्होंने ये अथक प्रयत्न करके हमें इस को पूरा करने में कामयाब हुए। कोरोना जब मार्च 2020 से शुरू हुआ, लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ, तो उस टाइम हमारे जो मुख्य फसल थी अनाज की जो लगती है वो हार्वेस्टिंग के दौर पर थी। तो मार्च से लेकर अप्रैल तक जो किसानों ने अपनी फसल का कटान किया और जहाँ सब्जियाँ लगी थी उनको शुरू के काल में, मार्च के एंड से लेके अप्रैल के मिड तक थोड़ी परेशानी रही उसको मार्केटिंग करने की, क्योंकि दुकानें भी बहुत कम खुली होती थी, लिमिटेड पीरियड के लिए थी, लोगों का आना जाना भी बंद था, उसमें परेशानी पाई गई। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने जो है वो कई अच्छे कदम उठा के जो किसानों की पैदावार है उसको न सिर्फ आसपास की मंडियों में, बाहर जाने के लिए भी उनको प्रेरित किया। और हमारे उससे जो हुआ कि किसानों की जो सब्जियां उत्पादन कर रहे थे वो कंज्यूमर तक पहुंचना शुरू हो गई। लेकिन साथ में ये भी पाया गया कि अब अप्रैल में समर सीजन की क्रॉप्स लगती है मार्च अप्रैल में, तो उसमें थोड़ी सी लोगों को दिक्कत बीज और खाद वगैरह की मिलने से परेशानी हुई, थोड़ा सा उसमें एरिया कम हुआ है हमारे 5 जिलों में। अभी हम आकलन कर रहे हैं कितना कम हुआ है, लेकिन उसके उपरांत अब लोग पूरी तरह जो खेती जैसे नॉर्मल ढंग से करते थे वैसे ही करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इस बात का जो हमारे अधिकारी भी हैं, कृषि प्रसार अधिकारी भी हैं, वो भी लोगों को ये समझाते हैं कि जो भी कार्य करना है वो सोशल डिस्टेंसिंग, जो 2 गज की दूरी बताया गया है उसका ध्यान रख के, मास्क लगा के और सैनिटाइज़र का उपयोग करके या हाथों को धो के
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। और अब जो इस फसल मौसम है खरीफ का, इसमें भी किसानों ने अपनी सारी फसलों का जो है बिजाई कर दी है। और जो समर हमारी वेजिटेबल्स ऑफ सीजन की निकलती, उसमें भी इस बार थोड़ा किसानों को पूरा पैसा नहीं मिला जो पहले मिलता था। जैसे मटर या गोभी थी वो बड़े अच्छे दाम पर जाती थी, लेकिन इस बार वो दाम किसानों को कम रहे। लेकिन उससे फिर भी हतोत्साहित नहीं हुए, उन्होंने आगे जो फसलें थी वो लगाई हैं और आने वाले टाइम में उनको उसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। उनके साथ हमने SMS गेटवे के द्वारा कि फसलों के संबंधित जो भी कार्यक्रम करने हैं वो उनके मोबाइल फ़ोन पे ही मैसेज चला जाता है। और साथ में हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं किसानों के सभी ज़िलों में, जो भी फसल चक्कर से संबंधित या सब्जी उत्पादन से संबंधित, बीमारियों से संबंधित, खाद से उपयोग के संबंधित सारी जानकारियाँ हम SMS गेटवे जो प्रोजेक्ट के किसानों के लिए हमने बनाया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हम किसानों के साथ साझा करते हैं।